अस्सलाम वालेकुम क्लास, आपको मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम मैम। यस मैम। आ जाए नहीं कभी लोग। आज का लेक्चर बहुत ही छोटा है, मेरे ख्याल 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है और इसलिए फिर मैं क्लास भी जल्दी खत्म कर दूंगी। या फिर आपके मैम क्वेश्चंस हुए, कोई बात हुई तो देन हम आफ्टर लेक्चर जो है वो डिस्कस कर लेंगे। लेक्चर बहुत छोटा सा है आज का, तो जल्दी से आ जाओ सारे, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा। मैम लास्ट लेक्चर में जो स्लाइड नंबर 21 थी, जिसमें मीडियो लेटरल ओब्लिक जो है वो प्रोजेक्शंस थी, उसमें क्वेश्चन था व्हाट इज द एरर मैम। उसमें एक स्कैन था, वो समझ नहीं आई। चलो मैं अभी आज का छोटा सा है ना ये क्या कहते हैं लेक्चर, वो कंप्लीट होता है तो फिर उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। जिसके कोई क्वेरीज हैं तो वो फिर हम लोग उस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो जल्दी भी आ जाओ, 2 मिनट तक स्टार्ट करती हूँ मैं लेक्चर। हाँ जी क्लास स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर हुई। ठीक है, स्क्रीन शेयर होगी? यस मैम। यस मैम। अच्छा, हम लोगों मैमोग्राफी स्टार्ट किया हुआ है। मैमोग्राफी के हम लोगों ने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने ब्रेस्ट एनाटॉमी पढ़ी थी। आज जो है ना मैमोग्राफिक इक्विपमेंट के बारे में है। हम लोग काफी तो चीजें साथ साथ हम पढ़ते रहे हैं कि कैसे उसमें एक्सरेज इन्वॉल्व होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, वो सारा हमने एक्सरे प्रोडक्शन में पढ़ लिया था। बट जो फर्क है मैमोग्राफी के अंदर, जनरल रेडियोग्राफी जो एक्सरेज है उसमें, वो है हमारी लो डोज एक्सरेज। इसके अंदर हमारे पास लो डोज एनर्जी यूज हो रही है, लो डोज एक्सरेज यूज हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने डेडिकेटेड ब्रेस्ट का स्कैन करना है, ठीक है? तो फिर हमने ब्रेस्ट की थोड़ी एनाटमी पढ़ी थी कि हमें पता होना चाहिए कि जब हम स्कैन करेंगे, हमारे पास फिल्म हमारे हाथ में है, तो जो हमें स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं व्हाट आर दे स्ट्रक्चर्स। फिर हमने प्रोजेक्शंस कुछ पढ़ी थी कि रूटीनली हम स्क्रीनिंग मैमोग्राफी करते हैं या जो डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी है, उन दोनों में फर्क क्या है और रूटीनली कौन से हम लोग उसके व्यूज लेते हैं, ठीक है? तो जो स्क्रीनिंग मैमोग्राफी है वो, जैसे मैंने बताया कि हर स्कैन के लिए, हर व्यू के लिए, हर मतलब कुछ भी हमने स्कैन करना है उसके लिए लाजमी है कि हम एटलीस्ट 2 व्यूज लें, ठीक है? तो इन केस के हमें कोई एडिशनल कुछ फाइंडिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं और उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होते हैं कुछ एडिशनल व्यूज, उसके लिए फिर हम लोग कुछ व्यूज और एक्स्ट्राज भी करते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन दैट लीजन, या फिर हम लोग अगर रूल आउट कर रहे हैं कि क्या हमारे पास पैथोलॉजी है, ठीक है, उसके लिए फिर हम डिफरेंट व्यूज करते हैं। डिफरेंट व्यूज का मतलब ये होता है कि अकॉर्डिंग टू द लोकेशन हमारा लीजन किस जगह पे पड़ा हुआ है, ठीक है? फिर हमने कुछ क्वाड्रेंट्स पढ़े थे, हमने ये भी पढ़ा था कि हम रिपोर्ट करते हैं तो किस तरह हम लोगों का लीजन किस जगह पे है तो हम रिपोर्ट कैसे करेंगे। 4 क्वाड्रेंट हैं, 2 अपर हैं, 2 लोअर हैं, 2 मीडियल हैं, 2 लेटरल हैं, या इनर या आउटर कह लो उनको, ठीक है? उन क्वाड्रेंट्स के अंदर हमने उनको क्लॉकवाइज डिवाइड किया हुआ है लीजन की लोकेशन को। एग्जैक्टली उस लोकेशन के ऊपर हम उस लीजन को डिफाइन करते हैं कि द लीजन इज लोकेटेड इन द अपर मीडियल क्वाड्रेंट
एट दिस क्लॉक, ठीक है, ये फिर हमने पढ़े थे, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये जो है ना क्या कह सकते हैं, सारी पैथोलॉजीज पढ़ ली थी, पैथोलॉजीज तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ पढ़ेंगे। ये पढ़ा था कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप के मेमोग्राफी होते हैं, सिंटी मेमोग्राफी क्या होता है, फिर इसके अलावा कुछ डिजिटल मेमोग्राफीज जो कि आजकल यूज हो रही हैं, वो कैसे उनका डिजिटली पहले जो है वो एनालॉग में कैसे प्रिंट होती थी हमारे पास, फिर हमको कैसे डेवलप करते थे, किस केमिकल्स यूज करते थे, ठीक है, ये सारा थोड़ा सा रिविजन था, ठीक है। तो आज का जो है टॉपिक वो है मेमोग्राफी इक्विपमेंट। हमें ये पता होना चाहिए कि हमने मशीन जो इक्विपमेंट है, हमारी मशीन है जिस पे हम लोग मेमोग्राफी करेंगे, वो दिखती कैसे है और उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, ठीक है, और उन पार्ट्स का क्या फंक्शन है, ठीक है, उसके अंदर जो जो लगे होते हैं पार्ट्स की, ये कंप्रेशन डिवाइस है, इसका ये फंक्शन, हमने कंप्रेशन भी पढ़ लिया कि इसका क्या एडवांटेजेस है हमने ब्रेस्ट स्कैनिंग के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कुछ ब्रेस्ट, ये जो एनाटॉमी में ही हमने मेल ब्रेस्ट के भी चांसेस देखे थे कि उसमें कितने परसेंट चांसेस है ब्रेस्ट कैंसर होने की, और किस एज ग्रुप में हमारे पास जो है वो मेल के अंदर ये चीज हो जाती है, और कैंसर्स होते हैं कुछ जो है वो कुछ एनलार्जमेंट की वजह से जो है वो सिर्फ हमारे हॉर्मोन चेंजेस की वजह से ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाता है, ये सारी चीजें हमने कवर की थी, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स द इक्विपमेंट, मेमोग्राफी का जो हमारे पास इक्विपमेंट है वो कैसा दिखता है, क्या होता है, इंट्रोडक्शन मैंने अभी आपको पूरी डिटेल बता दी है, सारा जो हमने अभी रिवाइज किया है, व्हाट इज एक्सरे ट्यूब मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि व्हाट इज द सोर्स दैट इज यूज्ड इन मेमोग्राफी, वो हमारे पास एक्सरेज हैं, एंड वी नो व्हाट हाउ द एक्सरेज आर प्रोड्यूस, हमने एक्सरे प्रोडक्शन पढ़ी थी, ठीक है, उस एक्सरे ट्यूब के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सरे ट्यूब एक टॉपिक है, ठीक है। तो एक्सरे ट्यूब का टॉपिक बहुत अच्छे से आपने पढ़ना है कि उसके अंदर एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस हो रहे थे वो हमने पढ़े थे, कि किस तरह इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं, फिर उसके बाद ड्यू टू थर्मियोनिक एमिशन जो फिलामेंट्स थे उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जब इमिट होंगे, फिर हमारे पास फोकसिंग कप है डेट विल फोकस द इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स द एनोड, हमारे पास नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं और पॉजिटिव एनोड है, एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, वो हमारा जो टारगेट है वो हमारे डिफरेंट मटीरियल्स का यूज होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड होते हैं या उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं एनोड के ऊपर, दो टाइप के थे, एक स्टेशनरी एक रोटेटिंग एनोड, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो उस एनोड के ऊपर टकराने की वजह से हमारे पास एक्सरेज प्रोड्यूस होते थे, ठीक है। ये एक्सरे ट्यूब के अंदर का सारा मैंने बताया, कैसे एक्सरे ट्यूब की वो क्या हाउसिंग है, कैसे वो डिजाइन किया जाता है, अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करके एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं। देन हमारे पास कंप्रेशन एंड ब्रेस्ट सपोर्ट प्लेट हैं, कुछ कंप्रेशन डिवाइसेज हैं इस मशीन के अंदर, उनका क्या रोल है वो भी हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंप्रेशन, ठीक है, वो चार पांच पॉइंट्स हैं वो आप याद कर लेना। देन द टाइप्स ऑफ मेमोग्राफी, ये भी हमने पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। तो आज का टॉपिक बड़ा ईजी सा, एक तरह से समझ लो सारा रिविजन है जो पूरी मेमोग्राफी है थोड़ी सी, और जो मैंने भी रिवाइज कर ली हुई है। एंड देन नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा पैथोलॉजीज के ऊपर, कि हम लोग को कौन सी पैथोलॉजीज किस तरह की नजर आती हैं, डेंस ब्रेस्ट कौन सा होता है, फैटी ब्रेस्ट कौन सी एज का होता है। देन टाइप्स ऑफ मेमोग्राफी में यही बताया है कि दो टाइप की हमारे पास होती है, एक स्क्रीनिंग होती है, एक डायग्नोस्टिक होती है, एंड अकॉर्डिंग टू द एज एंड सिम्टम्स, ए सिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के अंदर हम कौन सी टाइप की मेमोग्राफी करेंगे, क्लियर है। अच्छा, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज मेमोग्राफी एंड व्हाट इज जनरल कंपोनेंट्स ऑफ द इक्विपमेंट, ये हम पढ़ेंगे। मेमोग्राफी हमें पता है कि इज अ रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन, क्योंकि इसके अंदर एक्सरेज यूज हो रहे हैं, रेडियोग्राफी है, ठीक है, दैट इज डिजाइन फॉर डिटेक्टिंग ब्रेस्ट पैथोलॉजी, पर्टिकुलरली ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। मेमोग्राफी की ये डेफिनेशन है, क्लियर डेफिनेशन, व्हाट इज मेमोग्राफी, इट्स अ रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन दैट इज डिजाइन फॉर डिटेक्टिंग ब्रेस्ट कैंसर, डेडिकेटेड है फॉर द ब्रेस्ट पर्टिकुलरली ब्रेस्ट कैंसर्स के लिए इनको किया जाता है, लेकिन जो है जितनी अदर सिम्टम्स हैं उसके लिए भी हम इसको स्कैन करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग विद मेमोग्राफी असिस्ट इन डिटेक्टिंग कैंसर एट एन अर्लियर एंड इज एन इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल प्रोसीजर बिकॉज अप्रोक्सीमेटली वन इन एट वुमेन विल डेवलप ब्रेस्ट कैंसर ओवर देयर लाइफ टाइम।
ये है हमारा ब्रेस्ट कैंसर का क्या रिश्यू है, अब हमारे एशियन जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर किस तरह तेजी से बढ़ रहा है और यूरोप में किस तरह ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है, ठीक है। हम अप्रोक्सीमेटली 1 in 8 वुमेन विल डेवलप ब्रेस्ट कैंसर ओवर टाइम, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे भी है। आपको मैंने बताया था कि जब हमारे हॉर्मोन्स एक्टिव होते हैं, जब हमारे हॉर्मोन्स हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हॉर्मोन्स का फंक्शन नॉट जस्ट के वो जो हॉर्मोन्स का हमारा एक फंक्शन होता है वो तो कर ही रहे होते हैं, बट वो इतने एक्टिव होते हैं कि हमें डिजीजेस से भी जो है वो क्योर कर रहे होते हैं, तो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से जैसे जैसे एज जो है वो बढ़ती जाती है, हमारे हॉर्मोन्स का जो फंक्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन जो है वो कम हो जाती है, इम्यूनिटी इंसान की ओवरऑल ही विद एज जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो वो चांसेस होते हैं कि वुमेन के अंदर अबव 40 या 50 में जो है ना ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। दिस इज द इक्विपमेंट, दिस इज द मशीन, ये इस तरफ आप देख रहे हो उसका डायग्राम, एक तरफ देख रहे हो आपको वो रियल में कैसे नजर आ रही है, कि ये आप मेमोग्राफी रूम में कभी जाओ, कभी हॉस्पिटल में टूर लगा करें तो वैसे कोशिश किया करो, अल्लाह ना करे वैसे हॉस्पिटल में किसी का भी किसी कोई चक्कर लगे, लेकिन अगर लगता है फॉर एनी वर्क आप किसी वैसे भी टूर पे गए हो तो उनसे रिक्वेस्ट कर लिया करो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में कि वी आर स्टूडेंट्स ऑफ रेडियोलॉजी, मैंने सिर्फ इक्विपमेंट देखना है, ठीक है। तो किसी भी हॉस्पिटल में वो आपको इक्विपमेंट दिखा देंगे, मना कोई भी नहीं करेगा आपको, ठीक है। देख लिया करो चीजें कैसे दिखती हैं, रूम कैसे डिजाइन किए गए होते हैं। अब अगर इस पहले तो हम लोग ये डायग्राम पहले ये इसको देखते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हो मशीन है पूरी प्रॉपर हमारे पास, ये नीचे जो है वो पैरल्स लगे हुए हैं, ये खड़े होके जो है वो ये इधर जो है हम क्या कहते हैं एक्सपोजर दे सकते हैं, इधर से भी दे सकते हैं, और दूसरा जो है हमारे पास कंसोल होता है साइड पे, वहां से भी दे सकते हैं, ठीक है। ये हम इधर उधर, मुझे वायर लगी हुई है ना, आप जो हमारे पास क्या कहते हैं लेड जो शील्ड होती है जिसके पीछे खड़े होते होते हैं जिसने करना होता है, तो वो तो अपने आपको रेडिएशन से प्रोटेक्ट करके वहां से जाके एक्सपोजर देता होता है, तो ये जो पैडल होता है वहां पे भी मूव किया कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऊपर जो व्हाइट कलर का नजर आ रहा है, दिस इज एक्सरे ट्यूब, ठीक है। पहले डायग्राम देख लो, ये जो ऊपर आपको बॉक्स सा नजर आ रहा है और ये इस तरफ व्हाइट कलर का, दिस इज एक्सरे ट्यूब। ये जो नीचे आपको नजर आ रही है ये जो ट्रांसपेरेंट सी प्लेट है, दिस इज द कंप्रेशन प्लेट या कंप्रेशन डिवाइस, जो कि यूनिफॉर्मली ब्रेस्ट को जो है वो कंप्रेस करके यूनिफॉर्मली उसको थिकनेस को यूनिफॉर्म कर देती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ट्रांसपेरेंट सी लगी हुई है प्लेट, दिस इज कंप्रेशन प्लेट। देन हमारे पास ये नीचे जो ब्लैक कलर का है, ये हमारे पास जो है ब्रेस्ट सपोर्ट, इसके ऊपर जो है वो ब्रेस्ट को प्लेस करते हुए हम फिर इमेज करते हैं, और इसके अंदर जो है ना ये अंदर अंदर जैसा जो हमारी फिल्म है वो इसके अंदर हम लोग एक साइड से डाल देते होते हैं, ठीक है। यहाँ से ये हॉलो स्पेस होती है, इसके अंदर हम लोग प्लेट डाल देते होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे ग्रिड्स लगे हुए हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ ग्रिड। ग्रिड हमारी जो है वो लगी होती है एक्सरे रिसेप्टर के पास, जो रिसेप्टर्स हैं जहाँ पे रिसीव हो रहे हैं वहां पे ग्रिड्स लगी होती हैं, छोटी छोटी सी लाइंस जिसे कहते हैं, उसको इनका क्या फंक्शन होता है, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, बिल्कुल स्कैटर्ड रेडिएशन, एक्सीलेंट। के जो हमारी रेडिएशन है, एक तो हमारी प्राइमरी बीम है जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही है, जो कि हमारी यूजफुल बीम है, ठीक है। प्राइमरी बीम, जो सेकेंडरी बीम है जिसे हम लोग कहते हैं स्कैटर्ड रेडिएशन, जो कि इधर उधर जा रही है और उनका कोई वो परपेंडिकुलर नहीं है, पूरे जिस तरह नीचे हम लोग का यहाँ पे ब्रेस्ट है वो परपेंडिकुलरली नहीं आ रही, कुछ यूं जा रही है, कुछ यूं जा रही है, कुछ यूं, तो उनके लिए हमारे पास यहाँ पे नीचे ग्रिड्स लगे होते हैं डैट विल एब्जॉर्ब डैट सेकेंडरी या स्कैटर्ड रेडिएशन। और उसका फंक्शन क्या होगा कि उसके ग्रिड के लगे होने की वजह से हमारे पास जो इमेज है वो बेहतर आएगा, ठीक है, उसकी रेजोल्यूशन हमारे पास बेहतर आएगी। अदरवाइज क्या होगा, जो स्कैटर्ड रेडिएशंस हैं वो आपको इधर उधर की जाने की वजह से इमेज कहीं से ब्लर, कहीं से कैसा, कहीं से ज्यादा वाइट, कहीं से वो इस तरह आ सकता है। तो ग्रिड यहाँ पे हमारे पास नीचे इस जगह पे ये जो सपोर्टिंग प्लेट है इसके अंदर केसिट है, और इमेज रिसेप्टर कह लो, केसिट कह लो, ठीक है, वो जो यूज होती है वो लगी होती है, ठीक है। ये इमेज रिसेप्टर ये अंदर, ये जो आप देख रहे हो ना ये अंदर इसके अंदर लगा होता है, और ग्रिड है वो इसके साथ ही, जो इमेज रिसेप्टर है वहां पे नीचे इधर ग्रिड लगी होती है, तो ठीक है। ये हमारा इस तरह छोटी सी, जो इसका इतना मुश्किल नहीं है, जो ये मशीन का ये जो है आप समझ लो कि
डिजाइन इस तरह से की जाती है, ठीक है। और ये पेशेंट को खड़ा करके ही एग्जाम किया जाता है, पेशेंट इधर खड़ा होता है, ठीक है, उसके ब्रेस्ट को इधर प्लेस करके ऊपर कंप्रेशन दे के और जो है एक्सपोजर दिया जाता है, ठीक है। तो ये स्टैंडिंग आप समझ लो कि एक बकी टाइप है, जिस तरह हम एक्सरे चेस्ट करते हैं, सेम लाइक दैट, ठीक है। क्या आपको समझ आ गई? फिर अगेन ये हमारी थोड़ी सी डिटेलिंग है कि जो ऊपर हमें बॉक्स व्हाइट कलर का नजर आ रहा था, दैट वाज द एक्सरे ट्यूब। और एक्सरे ट्यूब के अंदर हमें पता है कि क्या क्या चीजें हैं। ये आप देख रहे हो कि ये समझ लो कि ये इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। इलेक्ट्रिक करंट आने की वजह से यहाँ पे फिलामेंट्स और वो जो फोकसिंग कप एक साइड पे लगे हुए थे, जो हमारी नेगेटिव साइड थी, ठीक है, वहां से हमारे इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, दैट विल मूव टूवर्ड्स द एनोड। ये आप आगे देख रहे हो, एनोड लगा हुआ है, रोटेटिंग एनोड है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे और यहाँ से हमारे एक्सरेज निकलेंगे। ये ट्यूब पोर्ट है जहाँ से एक्सरेज हमारे बाहर निकलते हैं। ये फिल्ट्रेशन लगी हुई है, फिल्ट्रेशन का भी वही काम है कि हमारी प्राइमरी बीम को फोकस करना है और फिल्टर करना है सेकेंडरी बीम्स या स्कैटर्ड रेडिएशन। यहाँ पे भी लगे हुए, वहां पे ग्रिड लगी हुई है, कितना ज्यादा हम अनयूजफुल जो जितनी भी हमारे एक्सरेज हैं उनको एब्जॉर्ब कर देता है, और सिर्फ हमें यूजफुल बीम ही जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं, और उससे इमेज की रेजोल्यूशन बहुत बेहतर हो जाती है। सो फिर हमारे पास ये कॉलीमेशन लगा हुआ है, ये बॉक्स है। कॉलीमेशन मैंने आपको दिखाई, ठीक है, एक बॉक्स टाइप होता है और उसके अंदर लाइट लगी होती है, ठीक है। दैट मीन्स जितनी लाइट जो है और उसके अंदर जो हमारे पास प्लस साइन का वो जो एक नजर आ रहा होता है, लाइन सी नजर आ रही होती है, शेडो सा नजर आ रहा होता है उस इमेज के अंदर, वो हमें जो है वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो भी हमने करना है, उसका सेंट्रल पॉइंट हमने जहाँ पे रखना होता है वो हम प्लस साइन को वहां रखते हैं। और जितना जितना लाइट हमें ऑन होती है, डैट मीन्स उतना एरिया ही एक्सपोज होगा। तो हम कॉलिमेशन को ज्यादा या कम कर सकते हैं, जितना एरिया हमने एक्सपोज करना है उतनी उतनी उसको कॉलिमेट कर लेते होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास नीचे ये कंप्रेशन पैडल है, जो मैं अभी आपको पिछले इमेज में दिखा चुकी हूँ, ठीक है। ये ग्रिड है, स्क्रीन फिल्म है एंड फोटो टाइमर डिटेक्टर है, ठीक है। फोटो टाइमर डिटेक्टर, जिस तरह मैंने बताया था कि डिजिटल आजकल सब कुछ है, तो डिजिटल मशीन्स है, तो वो इमेज जो है वो इसके ऊपर डिटेक्ट होगा। फोटो टाइमर डिटेक्टर है, इलेक्ट्रिकली है, ये आप देख रहे हो इधर डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया, ये और जाके हमारे जो मॉनिटर लगा होगा उसके ऊपर इमेज जो है वो फौरन ही साथ ही आ जाएगा डिजिटल में। क्लियर हो गया? अच्छा, मैमोग्राफी एक्सरे ट्यूब, ये इसी तरह जो ट्यूब के अंदर मैंने आपको चीजें पहले बता चुकी हुई है, एनोड, कैथोड, कैसे हमारे जो है वो बीम प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो सारी चीजें इसके अंदर लिखी। अच्छा, फिर हमारा जो एनोड था वो हमने पढ़ा था कि जर्नल रेडियोग्राफी एक्सरेज के अंदर हम कौन सा यूज करते हैं, टंगस्टन यूज करते हैं। बिकॉज क्या रीजन थी उसकी टंगस्टन यूज करने की? हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है और वेपराइजिंग होगा, क्योंकि हमारी एनर्जी जो है जनरल एक्सरेज के अंदर केवीपी और एमएस बहुत हाई होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वो जो है वो हमें कोई ऐसा मटेरियल यूज करना है जो कि हमारे पास जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। कितना होता है? 3410, ठीक है। तो ये तो हो गया जर्नल रेडियोग्राफी का जो एनोड था, टारगेट मटेरियल था। बट डिफरेंट टाइप्स के, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि समटाइम्स हम जो है वो टंगस्टन यूज करते हैं, समटाइम्स जो है वो किन के अंदर रोडियम या मोलिब्डेनियम यूज करते हैं। वो क्या होता है, कुछ हमारे पास जो एक्सरेज पोर्टेबल थे, मैंने पोर्टेबल एक्सरेज का भी बताया था, पोर्टेबल एक्सरेज के अंदर हम टंगस्टन नहीं भी यूज करेंगे तो खैर है, क्योंकि वहां पे हमें हाई डोज एक्सरेज नहीं रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, तो वो पोर्टेबल मशीन के अंदर। इसी तरह ये मेमोग्राफी है, मेमोग्राफी के अंदर भी हमें इतनी ज्यादा हाई डोज नहीं चाहिए, हमें लो केवीपी रिक्वायर्ड होते हैं। सॉफ्ट टिश्यू है, उसके लिए स्कैन करना है, छोटा सा टिश्यू है, ठीक है, उसके लिए हमें इतनी ज्यादा रेडिएशन नहीं चाहिए कि उसको पेनिट्रेशन रिक्वायर्ड हो, ठीक है। तो टारगेट मटीरियल कंसिस्ट ऑफ 3 मेन टाइप्स, मोलिब्डेनियम, टंगस्टन और रोडियम, ठीक है। मोलिब्डेनियम इज द बेस्ट मटेरियल टू बी यूज्ड इन मैमोग्राफी, ये जो है ये मटेरियल यूज होता है मैमोग्राफी, बिकॉज अलाउज द प्रोडक्शन ऑफ द लो एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ द रेडिएशन, लो केवीपी, 26-40 केवीपी, ये यूज हो रही है मैमोग्राफी के अंदर, इतना केवीपी, ठीक है। और जनरल रेडियोग्राफी के अंदर कितना केवीपी जा रहा था, कितना हम यूज कर रहे थे? हंड्रेड, ठीक है, 100 के अराउंड जो है वो केवीपी
हो रहा था फॉर द चेस्ट एक्सरेज और जो है फिर अकॉर्डिंग टू जैसा हैंड हैंड के लिए हम कम यूज कर रहे थे, बट जनरल रेडियोग्राफी के अंदर जो है ना 100 KVP जो है वो यूज हो रहा था. तो जो हमारे पास मेमोग्राफी है वो लो डोज एक्सरेज इसीलिए इनको कहते हैं बिकॉज वी यूज लो KVP. ये इसकी रेंज है फ्रॉम 26 to 40 KVP अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ दैट प्रेस. ठीक है, फिर उसको हम अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, थिकनेस देखते हुए और सारा. ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कौन सा टारगेट यूज होगा मेमोग्राफी के अंदर? मोलिब्डेनियम. ठीक है, टंगस्टन इज फॉर द जनरल रेडियोग्राफी. अच्छा, टंगस्टन एंड रोडियम आर यूज फॉर द हाई बीम नीड्स इन डेंस ब्रेस्ट टिश्यूज. हाई बीम, बस आपने ये याद रखना है कि जहां पे हमें हाई बीम रिक्वायर्ड है वहां पे हमारा जो टारगेट मटेरियल है वो हमारे पास टंगस्टन या रोडियम यूज होता है. फिल्ट्रेशन अभी मैंने दिखाई थी. मटेरियल्स दैट आर प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द एक्सरे बीम इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब दोज एक्सरेज विद एनर्जीज अबव एंड बिलो द डिजायर्ड स्पेक्ट्रम. समझ आ गई? जो हमारी यूजफुल बीम है, जो डिजायर्ड हमारे पास रेज है, ठीक है, उससे अलावा जितनी भी एनर्जीज प्रोड्यूस हो रही है उनको फिल्ट्रेशन क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है. हमारे पास फिल्टर्ड होके जो एक्सरेज है वो प्रोड्यूस होते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स के जो फिल्ट्रेशन वहाँ पे यूज हो रहे हैं वो कौन कौन से है? वो देन अगेन मोलिब्डेनियम, रोडियम, यूट्रियम, एल्यूमिनियम. ठीक है, ये जो है ना अकॉर्डिंग टू द KVP फिल्ट्रेशन भी जो है वो इन्हीं मटेरियल्स की यूज हो रही है. फिल्ट्रेशन हो गई, देन हमारे पास आगे स्टेप बाय स्टेप हम इक्विपमेंट पढ़ रहे हैं ना, तो उसकी मशीन के अंदर क्या चीजें लगी हुई है. पीछे एक्सरे ट्यूब थी वो हमने पहले भी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया. हम अब एक्सरे ट्यूब से बाहर आ गए हैं, एक्सरे प्रोडक्शन एक्सरे प्रोड्यूस हो गई हैं. सबसे पहले वहाँ फिल्ट्रेशन लगी होगी, फिल्ट्रेशन के बाद कॉलिमेशन है, यूज टू शेप रेडिएशन फील्ड. जो हमारा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, सॉरी, जो हमारा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, मैंने आपको लाइट दिखाई थी, उसको हम लोग कम या ज्यादा शेप उसकी कर सकते हैं कि जितना एरिया हमें रिक्वायर्ड होता है एक्सपोज करने के लिए उतनी हम कॉलिमेशन को खोल लेते हैं, कॉलिमेशन बंद कर लेते हैं. ठीक है, रिकॉल स्मॉलर रेडिएशन फील्ड मींस लेस स्कैटर्ड कॉलिमेट व्हेन यू कैन. ठीक है, तो जितना हम कॉलिमेट करेंगे, जितना हमें इतना ज्यादा कॉलिमेशन खोल के रखा हुआ है और एरिया जो है हमने थोड़ा सा एक्सपोज करना है, तो वो उस एरिया में जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है वहां पे जो है वो स्कैटर्ड रेडिएशंस रेडिएशन ज्यादा होंगी, तो वो हमने कोशिश करनी है कम से कम जो है हमें कॉलिमेशन हमने खोले. आई मीन के इतना अगर चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं तो ये आर्म्स भी इन्वॉल्व की हुई है, ये यहाँ तक खुला हुआ है पूरा जितना हमें रिक्वायर्ड होता है, इतना मतलब कि वो जो ऑर्गन हमने स्कैन करना है वो प्रॉपर एटलीस्ट 2 centimeter अबव बिलो राइट लेफ्ट इतना इतना एरिया बस साथ में लेते हुए हम वो एरिया को कवर करेंगे. स्मॉलर एक्सपोज एरिया बेटर फॉर द पेशेंट डोज. क्लियर है? पेशेंट की भी तो हमने सेफ्टी देखनी है, तो हम जितना रेडिएशन कम से कम रखेंगे, जितना एक्सपोजर कम देंगे, उतना पेशेंट को जो है वो कम से कम हैजर्ड होंगे और उसको हम एक्सरे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. अच्छा, ये हमारे पास प्रॉपर फिर वही सारा कुछ असेंबली बताई हुई है कि कैसे कैसे हमारे एक्सरेज, ये एक्सरे ट्यूब है, कैसे एक्सरेज इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं नोट के ऊपर, एंड कैसे एक्सरेज जो है वो यहाँ पे आगे प्रोड्यूस हो रहे हैं. कॉलीमेटर ये लगे हुए हैं, कॉलीमेटर्स आपको मैंने इसीलिए कहा था ना कि जितना हम खोलेंगे, अब इतना खुला हुआ है तो यहीं से एक्सरेज निकल रहे हैं. ठीक है, एक्सरेज एंड लाइट, यहाँ पे कॉलीमेटर लाइट अंदर करके यहाँ पे बल्ब लगा होता है जो लाइट जो हमें नजर आ रही होती है ना, उस लाइट को देखते हुए हमें पता चल जाता है कि इतना कॉलीमेटर खुला हुआ है. ठीक है, तो ये एरिया खुला हुआ था जो अनवांटेड थी, वो एरिया जो हमने कॉलीमेटर को कम या ज्यादा खोल लिया तो वो ये सारा यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है, ये मिरर लगा हुआ है, ये लाइट है, इस तरह करके हमारे कॉलीमेशन की जो है ना कॉलीमेशन इस तरह नजर आती है. ठीक है, समझ आ रही है इक्विपमेंट की फिल्ट्रेशन कैसे अंदर नजर बता रहा था और फिर जो है ना डायग्राम्स को देखते हुए आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी. ठीक है, तो कॉलिमेशन का क्या फंक्शन था और कॉलीमेटर्स में किस तरह ये रेंज होता है, ये इस तरह करके डिजाइन किया जाता है कॉलीमेटर. बेस्ट कंप्रेशन डिवाइसेस, ये हमारे पास जो ऊपर प्लेट लगी होती है वो थी. इन मेमोग्राफी द ब्रेस्ट इज कंप्रेस्ड यूजिंग अ रिजिड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कंप्रेशन प्लेट विच कैन बी मोटर ड्रिवन. ठीक है, ब्रेस्ट कंप्रेशन, व्हाई वी अप्लाई ब्रेस्ट कंप्रेशन, इसका आंसर हमारे पास पिछले लेक्चर्स की स्लाइड्स में है, 4 या 5 पॉइंट्स है. क्या करता है? मेन पॉइंट्स यही थे कि वो हमारी रेडिएशन को रिड्यूस कर देता है, यूनिफॉर्म थिकनेस हो जाती है, कहीं रेडिएशन लोड यूज हो रही है क्योंकि हमने थिकनेस रिड्यूस कर दी है, उसकी वजह से हमारे पास रेजोल्यूशन बेहतर हो सकती है,
ठीक है, इसके अलावा और कोई पॉइंट किसी को याद आ रहा हो तो वो बता दे, ठीक है? आर्टिफैक्ट्स मैम नहीं आते, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के ओवरलैपिंग नहीं होती, हाँ ओवरलैप जो हो रहा होते हैं वो हमारे पास यूनिफॉर्मली एक दूसरे से वो ऊपर जो ओवरलैपिंग थे वो इधर उधर हो जाएगी, तो कंप्रेशन के वो पांच छह पॉइंट्स जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद जरूर करना, बार बार रिवाइज हो रहे हैं ये चीजें, ठीक है? अच्छा अब ये उनको ही वो सारे जो पॉइंट्स थे ना वही पॉइंट्स यही लिखे हुए इसमें कि हम कंप्रेशन के क्या एडवांटेजेस हैं, ब्रेस्ट के ऊपर हम रीड कर लेते हैं, इसमें कुछ ऐसा समझने वाला नहीं है, बेटर स्पेशल रेजोल्यूशन हो जाती है बिकॉज हम कंप्रेशन से यूनिफॉर्म उसको कर देते हैं और हमारे पास थिकनेस कम हो जाती है, ठीक है? तो हमारे पास थिकनेस कम होगी तो रेडिएशन जल्दी जाएगी और हमारे पास इमेज जल्दी प्रोड्यूस होगा, ठीक है? द ब्रेस्ट इज ब्रॉट क्लोजर टू द इमेजिंग रिसेप्टर जो कि फिल्म है, सो दैट मैग्निफिकेशन एंड द फोकल स्पॉट ब्लरिंग इज रिड्यूस्ड, क्लियर? रिड्यूस मूवमेंट ब्लर, ठीक है? एक कंप्रेशन का और एडवांटेज है कि वो हमारी मूवमेंट जो है उसको रिड्यूस कर देता है, और ड्यू टू द मूवमेंट हमारे पास आर्टिफैक्ट्स आते हैं, ठीक है? आर्टिफैक्ट्स जो है वो अनवांटेड हमारा इमेज बनाता है, और ब्लरिंग की वजह से वो मूवमेंट की वजह से ब्लरिंग हो जाती है, ठीक है? तो ब्लरिंग की वजह से जो है वो फिर हमारा जो इमेज है वो अच्छा नहीं बनता इवन एट द रिलेटिवली लॉन्ग एक्सपोजर टाइम्स, ठीक है? लेस स्कैटर्ड रेडिएशन इन द इमेज, ये सारे किसके पॉइंट्स हैं, सारे कंप्रेशन के ही हैं। The beam path length through the breast is shorter, so there is less material to do the scattering. The reduced path length makes practicable the use of lower energy, less penetration. ठीक है? This gives greater object contrast. Resolution बेहतर हो जाती है due to the less penetration. Small areas of pathologies buried in glandular tissue can be better visualized as malignant tissue tend to be firmer. ठीक है, वही बात है कि पैथोलॉजीज जो है जो ओवरलैप हो रही थी या पीछे छुपी हुई थी वो एरिया थिन की वजह से, थिकनेस कम होने की वजह से हमें क्लियर हो जाती है, ठीक है? कुछ क्योंकि मलिग्नेंट ऐसे लीजन्स होते हैं जो कि हमें छोटे से होते हैं, किसी स्ट्रक्चर के पीछे छुपे होते हैं, तो जब हम कंप्रेशन देंगे तो दैट विल बी विजुअलाइज इजीली। फिर नीचे आ जाओ, ये हम समझ आ रही है ना ऊपर से कैसे हम नीचे आते जा रहे हैं अपनी मशीन की जो चीजें थी, ठीक है? एक्सरे ट्यूब, एक्सरे फिल्ट्रेशन, फिर कॉलिमेशन, फिर ऊपर ये आ गया कंप्रेशन डिवाइस। अब नीचे जो सपोर्टिंग प्लेट है जिसके ऊपर ब्रेस्ट को जो है वो प्लेस किया जाता है, उसके दो पार्ट्स हैं, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। जो अपर पार्ट है वो होता है कार्बन फाइबर का, और जो लोअर पार्ट होता है वो होता है लेड से, लेड का बना होता है। और आपको पता है कि हम लोग जो है अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी, और जो हमारे एक्सरेज हैं वो आगे इस लेड की वजह से, ये लेड ऐसा मटीरियल है जो कि एक्सरेज को स्टॉप कर देता है, ठीक है? तो जो लेड है वो हमारा लोअर पार्ट पे लगा होता है, दैट मींस कि जब हमारी इमेजिंग होगी, या अपर पार्ट पे कार्बन फाइबर है, दैट कार्बन फाइबर है जो कि फ्री एब्जॉर्प्शन करवा रहा है, वहां से एक्सरेज आ गए हैं, एब्जॉर्ब हो गए हैं, इमेज पे बन गए हैं। नीचे वाले पे लेड लगी हुई है, नीचे जो पार्ट है उसका, दैट मींस अब एक्सरेज आगे नीचे नहीं जाएंगी, और नीचे क्या है, पेशेंट खड़ा हुआ है ना, तो वो उसका एब्डोमेन है, सेव द पेशेंट एब्डोमेन फ्रॉम रेडिएशन हैजर्ड। वो एक तरह से हमें एक लेड एप्रन होता है ना, जिस तरह वो लेड वहां तक लगी है कि उधर एरिया तक एक्सपोजर जाएगा, नीचे पेशेंट को हैजर्ड नहीं होगा कोई भी प्रोटेक्शन के लिए उसके। तो ब्रेस्ट सपोर्ट प्लेट के दो पार्ट्स, अपर पार्ट, ये सारे एमसीक्यू देखे सीधे सीधे बन रहे हैं कि दो पार्ट्स होते हैं उसके प्लेट के, एक अपर पार्ट है उसका क्या मटीरियल है, कार्बन फाइबर, और जो लोअर पार्ट है उसका क्या है, लेड। लेड विल सेव द पेशेंट एब्डोमेन फ्रॉम द रेडिएशन हैजर्ड, ठीक है? फिर हमने क्लियर है अब तक। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मैमोग्राफी पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैमोग्राफी, नंबर वन इज द स्क्रीनिंग मैमोग्राफी एंड नंबर टू इज द डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी। ये आप देख रहे हो कैसे मॉनिटर के ऊपर इमेज आ रहा है, ये हमारे पास मशीन थी, ये हमारे पास जिधर पीछे पेशेंट जो हमारा रेडियोग्राफर है, टेक्नोलॉजिस्ट है, वो इधर पीछे खड़ा होता है, ठीक है? ये भी जो ग्लास जो लगा हुआ है ना, इधर से देख रहा होता है पेशेंट कहीं हिलना रहा हो या पेशेंट इस तरह का, तो वो देखते हुए जो है यहाँ आके इन सेटिंग्स को चेंज करते हुए यहाँ से एक्सपोजर देता है, ठीक है? ताकि पेशेंट को भी वो देख सके और उसको भी ये लेड का सारा मटीरियल होता है ताकि उसको भी कोई रेडिएशन हैजर्ड ना। और जैसे ही वो इमेज उसने एक्सपोजर दिया, साथ ही इमेज इसके ऊपर हमें फिल्म के ऊपर डिजिटली जो है वो ट्रांसफर होके विजुअलाइज हो जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, स्क्रीनिंग मैमोग्राफी एंड सेकेंड वन वॉज द डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी, ठीक है? क्या दोनों का फर्क था कि जो है स्क्रीनिंग मैमोग्राफी इज फॉर द एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स, जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स थे उसके अंदर हम स्क्रीनिंग करते हैं विद टाइम, जो है हम जो रिस्क पे होते हैं उनकी स्क्रीनिंग जरूरी होता है,
वैसे जो रिस्क पे नहीं भी होते आजकल एनुअली या अपनी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, ठीक है। और जो यंगर एजेस है उनको हम कोशिश करते हैं कि वो अल्ट्रासाउंड भी करवा लें फॉर द स्क्रीनिंग, बिकॉज हमने रेडिएशन से उनको बचाना है। और इन केस अगर कोई पैथोलॉजी नजर आ जाती है, कोई पैथोलॉजी, तो उसको कहलाते हैं डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी। और उसके अंदर पेशेंट जो है वो किसी सिम्टम्स के साथ आपके पास आता है जब हम स्कैन करते हैं, और वो सिम्टम्स को हम रूल आउट करते हैं कि वो क्या है, वो कोई लंप है या कोई डिस्चार्ज था, तो वो उसको डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी कहते हैं, बिकॉज वी हैव टू डायग्नोज पेशेंट कंप्लेन सिम्टम्स के साथ था। क्लियर है दोनों का डिफरेंस, डायग्नोस्टिक एंड स्क्रीनिंग का? जी मैम। फिर हमारे पास है डिजिटल मैमोग्राफी। मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि डिजिटल मैमोग्राफीज ही आजकल यूज हो रही है, और इसको हम फुल फील्ड डिजिटल मैमोग्राफी भी कहते हैं, FFDM इसको कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर डिजिटली जो है वो एक्सरेज किस तरह हमारे डिटेक्टर्स पे कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकली सिग्नल्स के थ्रू मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होते हैं, ठीक है। द एक्सरे फिल्म इज रिप्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर दैट कन्वर्ट द एक्सरेज इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कन्वर्ट होते हैं, ट्रेवल करते हैं हमारे मतलब जो मॉनिटर है उसके ऊपर, और हमारा इमेज प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज डिजिटल मैमोग्राफी, जिसको हम FFDM भी कहते हैं। अगेन इट्स एमसीक्यू क्वेश्चन कि हम डिजिटल मैमोग्राफी को और क्या कह सकते हैं। FFDM, FDM में कुछ भी मैं लिख दूं, ठीक है, वो ऑप्शंस में FMDF आगे पीछे कर दिए वर्ड्स, तो यू शुड नो फुल फील्ड डिजिटल मैमोग्राफी इज नोन एज the advanced form of mammography, and digitally it converts the x-rays into electrical signals. Number two is the computed aided detection, CAD, jise kehte hain, that can be obtained from either a conventional film mammograph or a digital acquired mammograph. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कंप्यूटेड एडिट, हमारे पास इमेज तो आ गया, देन हम इसको कंप्यूटराइज जो है वो उसकी पोस्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं। समझ आई बात की? या फिर वो कन्वेंशनल फिल्म भी हमारे पास हो सकती है, वो डिजिटली जो उसके बाद हम बैठ के कंप्यूटर पे कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, समटाइम्स हमें कॉन्ट्रास्ट जो है वो कम, किसी ने फैक्टर ऐसे दिए हैं, तो हम थोड़ा सा मशीन के ऊपर कंप्यूटेड एडिड, ठीक है, तो वो कंप्यूटर के ऊपर कुछ सेटिंग्स ऐसी होती हैं कि उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसको कॉलिमेशन अगर ज्यादा खुली हुई थी तो उसको हम वहां पे क्या करते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। जो हमारे फोन के अंदर फंक्शंस होते हैं, जिस तरह इमेज को हम कुछ भी कर सकते हैं, उसकी कॉन्ट्रास्ट बेहतर कर सकते हैं, उसके कलर को थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं, उसको कॉलिमेट कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं, उसको कुछ भी, ये जो इमेज की पोस्ट प्रोसेसिंग होती है वो हम कोई भी इमेज जो आया, कन्वेंशनल इमेज था या डिजिटल इमेज था, वो हम कंप्यूटर पर बैठते हुए उसको पोस्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं। दैट इज नोन एज कंप्यूटेड एडेड डिटेक्शन। देन इज द ब्रेस्ट टोमोसिंथेसिस, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। टोमो मीन्स स्लाइस या थ्री, ठीक है, 3D इमेज हम एक क्रिएट करते हैं ब्रेस्ट का, और फिर हम उसको स्लाइसिस में भी बाद में कंप्यूटर पर बैठ के रीड कर सकते हैं। ये एक नई टेक्नोलॉजीज है, एडवांसेस है मैमोग्राफी के अंदर, ठीक है। तो ऑल्सो नोन एज 3D ब्रेस्ट इमेजिंग इज द मैमोग्राफिक सिस्टम वेयर द एक्सरे ट्यूब मूव्स इन एन आर्च ओवर द ब्रेस्ट ड्यूरिंग द एक्सपोजर। अब क्या है इसके अंदर, उसके अंदर तो स्टैटिक एक इमेज हमारे पास क्रिएट हो जाता है, और हम एक्सरेस प्रोड्यूस हुई और हमारे पास स्टैटिक इमेज एक बन गया। तो इसके अंदर 3D इमेज बनाना है ना हमने। 3D इमेज क्या होता है, जिसमें वो 3D हमें इमेज नजर आ रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो एक्सरे ट्यूब है वो रोटेट करेगी ओवर द ऑब्जेक्ट, और वो रोटेशन की वजह से हमारे पास इमेज जो है वो 3D बनेगा, ठीक है। वो रोटेट कैसे करेगा, इन द फॉर्म ऑफ आर्च, ठीक है। यूं आर्च बनेगी इधर, और इधर को मूव करेगी एक्सरे ट्यूब, ठीक है, थोड़ी इधर सा एक आर्च होती है, तो वो इधर से उधर को मूव करते हुए हमारे पास एक 3D इमेज बना देगी, वॉल्यूमेट्रिक इमेज हो जाएगा, हमारे पास वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो 3D बेसिकली क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक इमेज, वॉल्यूम हमारे पास आता है आपका, ठीक है, 3D। तो ये कुछ रेफरेंसेस बुक्स हैं, आप इस पे देख लेना, लेकिन कोशिश करो। आपने बुक्स ली है किसी ने? किसी ने नहीं लिया? नहीं, बुशांग मैंने बुक दी आपको कहा था। जी मैम ली है। ली है, वेरी गुड, वो बुक बहुत अच्छी है। वैसे ही आप उसे पढ़ो, आपको हर चीज उसमें बीइंग ये जो रेडियोग्राफर, उसके बाद हमारे वो है ही टेक्नोलॉजिस्ट की बुक, ऊपर मैंने आपको भेजी होगी पिक्चर वगैरह, तो रेडियोग्राफिक इमेजिंग फॉर द टेक्नोलॉजिस्ट, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ज्यादातर लेक्चर्स वहीं से बने हुए हैं,
और वो है बुक थोड़ी सी मोटी सी है, लेकिन उसके अंदर आप एक बुक ले लो, आपकी सारी जिंदगी आपको इस्तेमाल होगी वो बुक, कि आपने अगर फील्ड पर भी जाना है ना तो आप उधर से पढ़ो और आपको सारी हिस्ट्री पता चल जाएगी। वो तो आपको मशीन्स और एक्सरे प्रोडक्शन और उसमें हर चीज मिलेगी, एक्सरे ट्यूब्स कैसी होती हैं, उसमें क्या पहले यूज हो रही थी, अब कैसे यूज हो रही है, ऐसी चीजें। और एक मैं आपको क्लिनिकल बुक भी बताऊंगी पैथोलॉजी से रिलेटेड। वैसे तो वो हर जो क्या कह सकते हैं ये मोडेलिटी की डिफरेंट होती है, कि अल्ट्रासाउंड की अलहदा इतनी सारी बुक्स हैं, डॉपलर अलहदा है, एक्सरेज की पोजिशनिंग की अलहदा बुक्स हैं, ठीक है। तो ये कोशिश करो, अभी तो चलो आप लोगों का क्योंकि यूएमटी का एक ही प्रॉब्लम है यहाँ पे जो कि मुझे भी बहुत नापसंद है, कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारी स्लाइड वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो स्लाइड से दे इधर उधर से हो गया, बच्चे चीखना शुरू हो गए हैं। और इसीलिए तो मैं नहीं मानती इतने जो लाइक बच्चे हैं जो फर्स्ट आ रहे हैं, जो इतने ज्यादा वो ले रहे हैं, जीपीज ले रहे हैं और ये वो। तो आप लोग जब फील्ड में जाओगे ना, मैं सब बच्चों को कहती हूँ, वही बच्चा कामयाब, इंशाल्लाह सभी कामयाब हैं, लेकिन जो है ना अपने आप को आपने सबसे अलग इसीलिए शो करना है कि आपके पास नॉलेज है। तो बुक रीडिंग की थोड़ी सी डालो आदत, ये चीजें आप जब फील्ड में जाओगे तब आप, मुझे पता है, तब आप रीड करोगे सब कुछ, बुक्स खोलोगे कि हम इस फील्ड में हैं, ये चीज कैसे है मुझे पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी को शौकत खानम में जॉब मिल गई है, ठीक है, शौकत खानम का तो आपको पता है एक लेवल है, वहाँ पे हर चीज जो है प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं और प्रॉपर हमारे पास हर चीज के जो है ना हर इमेजिंग की प्रॉपर एक चीज डिजाइन की गई है। तो इवन कि आप वहाँ पे खड़े हैं, वहाँ पे तो आपको पता है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई आ रहा होता है, और आप उस जगह पे हो तो आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती है चीजें, ठीक है, आपके पास नॉलेज होगा तो आप एक्सप्लेन करोगे ना, ठीक है। आप वहाँ पे खड़े हो, आपको कोई पूछ ले के जी आप बताएं कि ये अगर खराब हो जाती है मशीन तो आपको पता है क्या क्या मटेरियल है, किस तरह हम इंजीनियर्स को कॉल करते हैं, किस तरह हम लोगों का ये काम इंजीनियरिंग का है, ये काम ऐसा है, मशीन के बारे में भी चीजें पता होनी चाहिए क्लिनिकली। फिर वो तो आ गए मशीन के कोई लोग आ गए, इंजीनियर्स आ गए जिन्होंने मशीन के ऊपर कोई काम करना था, फिर आ गए कोई डॉक्टर्स आ गए, उनकी टीम आ गई है, ठीक है, आपसे वो पूछ रहे हैं सारी नॉलेज, सो यू शुड हैव द नॉलेज, ठीक है। सिर्फ ये चार पांच स्लाइडें पढ़ के और चार पांच इनसे पढ़ के आपका नॉलेज जो है ना वो बस वो उतना ही रहेगा। तो कोशिश करो अपने नॉलेज को, कसूर आपका भी नहीं है, क्योंकि ये सेमेस्टर सिस्टम मुझे वैसे ही पसंद नहीं है, हम लोगों ने एनुअल में पढ़ा हुआ है, पूरा साल हम एक ही चीज को रटते रहते थे, पूरी पूरी बुक्स पढ़ते थे। फिर हमारा और ये हिसाब था यूएचएस का, कि यूएचएस के अंदर हम लोगों ने हम पढ़े फातिमा में एफएमएच से थी, तो एफ एम एच में और एग्जाम हमारे यूएचएस में होते थे, तो ठीक है वो एग्जाम जो है फॉर एग्जाम्पल एक्सरे का एग्जाम होना है तो हमें नहीं पता किस टीचर ने एक्सरे का एग्जाम बनाया, वो पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी बन के यूएचएस में आ जाता होता था, किस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने, किस रेडियोलॉजिस्ट ने, उनको बस ये बता दिया कि फिर हमने एक्सरे से रिलेटेड उसकी पोजिशनिंग की बुक्स, उसके सारा कुछ जो है ना अच्छी सी नॉलेज अपनी करके जाना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो तो वो हमें पता हो, उसका आंसर पता हो। तो ये चीज होती है, तो हमें बड़ा फिर मुश्किल नहीं हुई है जब हम फील्ड में आए हैं। तो कोशिश करो आप लोग भी कि स्लाइडों से थोड़ा सा निकलो, ठीक है, आप लोगों का सेमेस्टर सिस्टम है, टाइम बहुत शॉर्ट होता है, और फिर इतना आप लोग क्लिनिकल भी नहीं देख सकते हो जितना हम लोग को एक्सपोजर मिलता था हॉस्पिटल्स में जाने का। तो कोशिश करो अपने ऑन पे अगर जा सकते हो तो जो है ना किसी हॉस्पिटल में, या वैसे कभी चक्कर लगा करे तो डिपार्टमेंट देखा करो, आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के हो तो कोशिश किया करो, उनको कहा करो कि मैं स्टूडेंट हूँ रेडियोलॉजी का, मैं ये चीज देखना चाह रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ देखने दीजिए या एक स्कैन कोई ऑब्जर्व करने दीजिए। तो जो चीज देखी होती है वो कभी भी नहीं भूलती, आपको पता है ना, एक रट्टा और चीज होती है, एक क्लिनिकली प्रैक्टिकली चीज देखी हुई और चीज होती है, बुक्स वाला तो हम रट्टा मार लेते हैं कभी देखा नहीं होता। तो ठीक है, तो ऊपर से माशाल्लाह यूएमटी वालों ने आपको ऐसा हॉस्पिटल दिया हुआ है जो कि उसके लिए क्लिनिकली जो है वहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं एक दफा गई थी एक बैच के साथ, वहाँ पे तो सिर्फ वो अल्ट्रासाउंड और वो भी बस ऐसे ही, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे पीस पता नहीं क्या तुम लोग करते होते थे, तो बड़ा ही हालात बुरे हैं। तो मैं तो यही कहती हूँ कि अपने ऑन पे कर लिया करो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ले जाया करो, ठीक है। आपके सीनियर्स भी यूँ करते थे कि बस जिसका जिधर लगा तो वो कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थोड़ा टाइम रोटेशन कर ली। कोशिश करो यहाँ से निकलो तो इतनी अच्छी नॉलेज हो तुम लोगों की, कोई ये ना कहे कि यार यूएमटी के हो तो एक साइड पे लग जाओ, ठीक है। वो सर कहते हैं कि यूएमटी वालों की नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं होती है, उनको पता है वो किस तरह पढ़े, ना उनका क्लिनिकल ही है, ना वो बुक्स पढ़ते हैं। तो अपने आप को आप लोगों ने खुद उनके क्या कहते हैं ना, अपने आप को शो करना है कि यस वी हैव सम नॉलेज, ठीक है। तो हमें प्रैक्टिकल अगर नहीं करवाया तो हम खुद भी किया है हम लोगों ने, और हमें पता है किस तरह।
ठीक है, तो वो फिर कल को अल्लाह करे आप लोगों को शौकत खानम जैसे लेवल में जॉब्स मिले, और जो शौकत खानम में जॉब जिसने की है, इंटर्नशिप की है, वो अब्रॉड उसी वक्त उस टाइम के फॉरन वहीं पे बैठे बैठे वहाँ पे यूरोप में गए हैं। मेरे काफ़ी सीनियर्स हैं जो वहाँ पे बैठे गए हैं यूरोप में, मैं पहले भी कहती हूँ। तो बॉयज़ के लिए तो मैं बार बार कहती हूँ, गर्ल्स का तो आपको पता है फिर शादी और ये वो सारा, तो उनके लिए थोड़ा मसला हो जाता है। बॉयज़ को तो मैं कहती हूँ बाहर निकलो, ठीक है, ये फील्ड इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, आप बाहर निकलोगे आपको इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा इस फील्ड के अंदर, पैसा भी बहुत है, इज्जत भी बहुत है, और ये फील्ड बहुत मज़े की फील्ड है। रेडियोलॉजी है, और उस तरह एक तो मेडिकल, उस तरह आपको पेशेंट के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करना पड़ता जिस तरह बाकी मेडिकल के जितने प्रोफेशंस हैं, आप पेशेंट के साथ डायरेक्टली, मशीन्स के आप आधे इंजीनियर होते हो, ठीक है, आपको सारी मशीनों का पता है, आपको कैसे ये सारी, आप आधे डॉक्टर होते हो, आपको क्लिनिकली सारा पता है, ठीक है। तो ऐसी प्राउड फील किया करो कि यू आर इंजीनियर एज वेल एज डॉक्टर, ठीक है, तो आप तो दोनों ही हो, लोग कहते हैं ना या तो इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ, तो आपने मशीनों के बारे में भी पढ़ना है और आपने उसकी पैथोलॉजीज का भी पढ़ना है। तो कभी भी अपनी फील्ड को लेके कभी डिप्रेस नहीं होना, बिकॉज ये बहुत अच्छी फील्ड है, और अभी अंदाजा इसलिए नहीं होगा कि अभी आप फील्ड में नहीं आए, और पाकिस्तान में तो आपको पता है जो अच्छी फील्ड है एमबीबीएस वालों को कोई मुंह नहीं लगाता, उनकी भी क्या इज्जत रह गई है अब, ठीक है। तो इतने ज्यादा हो गए हुए हैं हमारे पास एमबीबीएस डॉक्टर, किसी को जॉब नहीं मिल रही, कोई कहता है फ्री में ही हमें जॉब दे दो कहीं पे, तो हमें एटलीस्ट, तो वो इतने ज्यादा, और जिस तरह जो नई फील्ड आती है ना वो उसके लिए आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये नई फील्ड है, आपको एक्सेल करने का बहुत ज्यादा अच्छा है, फिर बाहर जाओ बात में, साथ में अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू रखना, ठीक है, एमएस करो, पीएचडीज करो, ठीक है, क्लिनिकली साइड पे आ जाओ, कुछ प्रोजेक्ट्स वहां पे जाके करो, साथ जॉब करते रहो, लेकिन इस फील्ड में जितना ज्यादा आप वो करोगे आपको भी मजा आएगा। और इंशाल्लाह एक टाइम आएगा, मुझे मेरे ही स्टूडेंट्स बताएंगे और मैं वो दिन का इंतजार करूंगी कि मैम मैं इस जगह पे बैठा हूँ और मुझे बहुत मैं प्राउड फील कर रहा हूँ इधर बैठ के, तो वो दिन का मुझे आप सबसे इंतजार रहेगा, वो मुझे खुशी का ठिकाना नहीं होगा मेरा कि मेरे स्टूडेंट आज इस जगह पे बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह मैम फोन करना और बताना कि मैम मैं यूके के इस हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ और मैं जो इस फील्ड में हूँ और माशाल्लाह मेरी इनकम भी बहुत अच्छी है और मैं जो हूँ ना अपने घर वालों को जो है ना एक प्राउड फील करा रहा हूँ, तो वो दिन मेरी यकीन करना मेरी आंखों में वो आंसू आएगा और मैं प्राउड फील करूंगी। तो आई होप के सब जो है ना इस तरह जाएं। टीचर्स कभी भी किसी को इस तरह गाइड नहीं करते हैं, सब पढ़ाया और चले गए। मेरा मकसद होता है कि थोड़ा सा ये सब किताबी बातें होती हैं, पढ़ भी लोगे, समझा भी दूंगी, कौंसल करना, बहुत अपनी फील्ड से प्यार करना जो है ना वो कम ही लोग सिखाते हैं, ठीक है। तो अपनी फील्ड से प्यार करो, आपकी फील्ड बहुत अच्छी है, जिस चीज से प्यार करके करोगे ना काम, ठीक है, दिल लगा के करोगे ना वो काम, तो वो कभी भी आपको जो है ना वो लेट डाउन नहीं करेगा, वो आपको ऊपर ही लेके जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे कहोगे ये फील्ड में आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ये फील्ड नहीं अच्छी, ऐसी है वैसी, आप कहो कि मैंने जाना है ऊपर और मैंने देखे हैं ऊपर गए, इस फील्ड में आप बहुत आगे जाओगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप सबको हमेशा कामयाबियां दे, दिल लगा के काम करोगे, मेहनत करोगे तो सब कुछ होगा। अच्छा चलो, किसको क्या प्रॉब्लम थी वो जरा मुझसे अब डिस्कस कर ले। मैम लास्ट लेक्चर में जो स्लाइड 21 पे स्कैन था, लास्ट लेक्चर हमारा था एनाटॉमी। स्लाइड नंबर 21। अच्छा, विच प्रोजेक्शंस आर दीज, एमएलओ व्यू है, ठीक है, पता चल रहा है एक्सिला इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर। अच्छा, विच डेमोन्स्ट्रेट अ रिपीटेबल एरर, व्हाट इज द एरर। अब हम लोगों ने समरीज कुछ पढ़ी थी ना लास्ट में कि ये एमएलओ व्यू के अंदर ये सारी चीजें हमें दिखनी चाहिए, ऐसा व्यू होना चाहिए, वो समरी एमएलओ की ये थी, ठीक है। नो मोशन पेक्टोरल मसल टू द लेवल ऑफ निपल विजुअलाइज। अब ये सारे पॉइंट्स पढ़ लो, ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको इमेज एक्सप्लेन करती हूँ कि उसमें क्या खराबी है, क्या एरर है, ठीक है। नो मोशन पेक्टोरल मसल्स टू द लेवल ऑफ निपल विजुअलाइज, breast pulled away from the chest wall, nipple in the profile, dense areas penetrated, high contrast and optimal resolution। ये नहीं कि बहुत ज्यादा ब्लैक एक एरिया नजर आ रहा है, एक वाइट, एक ऑप्टिमल रेजोल्यूशन होनी चाहिए, एबसेंस ऑफ आर्टिफैक्ट, कोई आर्टिफैक्ट हमें नजर नहीं आ रहा होना चाहिए उसमें, और मार्कर लगिंग, ठीक है। ये इमेज में तो हमें कुछ चीजें सही नजर आ रही है कि ठीक नजर आ, ठीक है, ये इमेज क्या ठीक लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा, ठीक है। इसमें आपको आर्टिफैक्ट्स भी नजर आ रहे हैं, ये वाइट वाइट, ये बाहर, ये सारे आर्टिफैक्ट्स भी हैं,
ये मोशन आर्टिफैक्ट भी हो सकते हैं, पेशेंट मूव कर गया जिसकी वजह से ब्लरिंग हो गई है, ठीक है। इसके आप मार्जिन बाहर से देखो और इसका मार्जिन देखो, स्किन का कितना क्लियर है और इसका देखो इरेगुलर सा है, ब्लरिंग सी हुई है, ठीक है। फिर इसकी रेजोल्यूशन देखो आप कि एक जो है वो बहुत ज्यादा हाइपर डेंस किस्म का मतलब इमेज नजर आ रहा है, बहुत वाइट या बहुत ब्लैक नजर आ रहा है, ऑप्टिमल रेजोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमने समरी जो पॉइंट्स पढ़े थे वो इस इमेज के ऊपर अगर आप देखो तो दीज आर द एरर्स दैट इज सीन इन दिस इमेज, जो हमने समरी में पढ़े थे, ठीक है। वो पूछ रहा है कि व्हाट आर द एरर्स, क्या है एरर्स इसमें, तो आप बोलो यस देर आर सम एरर्स, और जो कि हमने समरी में पढ़े थे कि ये नहीं होने चाहिए, इस तरह का एमएलए व्यू नजर आना चाहिए। मैम पोर्टेबल एक्सरेस में हायर बीम्स रिक्वायर्ड होती हैं। मैम का डिस्कनेक्ट हो गया। मैम के लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो गई। लो बीम होती है रिक्वायर्ड। हाँ जी सॉरी, मेरा नाम डिस्कनेक्ट हो गया था, बैटरी शायद खत्म हो गई थी। अच्छा इमेज आ गई थी जिसको प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। मैंने एरर्स बता दिए इस इमेज के ऊपर, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूं। ठीक है, तो इस इमेज के आपको जो समरी में हमने बताया था कि एमएलओ व्यू के अंदर हमें ये चीजें नजर आनी चाहिए, वो हमें नजर नहीं आ रही, दैट आर द एरर्स, ठीक है, जो एक एमएलओ व्यू नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ना आप लोग एक पोजीशनिंग की बुक भी ले लो, जितनी भी हमारे रेडियोग्राफिक प्रोसीजर अभी तो जितनी है वो समझ आएगी, लेकिन जब फील्ड में जाओगे ना तो वो बड़ी काम आएगी, कि आपको भी कहता है कि ये व्यू बना के दिखाओ, ये व्यू बना के दिखाओ, फौरन से वो बुक खोली या फिर उसमें फिर वो उसमें सारा कुछ लिखा होता है कि आपने फैक्टर किसने कितने रखने हैं, अगर हैंड का है, नी का है, लेटरल व्यू करना है, मीडियल व्यू करना है, आपके पास तो सिर्फ लिखा हुआ आएगा प्रिस्क्रिप्शन कि आपने हैंड का लेटरल व्यू करना है। आपने फटाफट से पेशेंट की पोजिशनिंग की, उस तरह की इसके ऊपर पोजिशनिंग भी लिखी होगी कि पेशेंट पोजिशनिंग, फिर उसके बाद आपने फैक्टर सेट किए, कितना के वी रखना है, कितना एम ए रखना है, उसके बाद एक्सपोजर दिया, तो वो मोटी सी बुक है, तो उसके अंदर सारे प्रोसीजर्स हैं, जितने भी पोजिशनिंग्स हैं हमारे एक्सरेज की वो हैं। वैसे एक लाइब्रेरी बनाओ अपने रेडियोलॉजी वालों, जो है ना अपनी बुक्स जो है ना वो घर में एक उसके अंदर जो है ना अपना खाना एक अलग रख लो, उसके अंदर सारी अपनी बुक्स रखो, ठीक है। तो एक ये जो काम आएंगी वाकई बुक्स, एक शौक की ये ले लो बुक, एक अपनी वो देनी है अपनी बुक, जो बुक्स में काम आएंगी, जो आपको नेट पे जो कुछ चीजें नॉलेज मिल जाती है, जो चीजें बुक्स में जो चीज नजर आएगी ना वो रखो बुक्स, ये जरूरी बुक्स हैं, ठीक है। तो बुक की आदत डालो और एक पोजिशनिंग की बुक ले लो, एक जो है इसी, जो मैं साथ साथ बुक्स आपको बताती रहूंगी जैसे जैसे, ठीक है।
अच्छा, और कोई इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो नहीं है मैम? मैम सिक्स लेक्चर की 12 स्लाइड है। किस लेक्चर की? सिक्स लेक्चर मेमोग्राफी का फर्स्ट लेक्चर जो था। फर्स्ट लेक्चर की मैम, मेमोग्राफी का इंट्रोडक्शन जिसमें था सिक्स लेक्चर। सिक्स लेक्चर उसकी कौन सी स्लाइड? 12 वाली मैम। बायरेट्स पढ़े थे स्टैंडर्ड्स थे क्वालिटी कंट्रोल के। ये वाली मैम, ये जो कॉलम है ये सेल्फ एग्जामिनेशन फिजिकल एग्जामिनेशन वाला, ये समझा देंगे। ये उस बुक के अंदर आपको ईयरली मंथली एग्जामिनेशंस बताई थी। एक एग्जामिनेशन है सेल्फ एग्जामिनेशन जो कि आप खुद करते हो अपनी, ठीक है। वो लेस देन 40 जो कि हमारी एज के जितने भी लोग हैं वो मंथली किस तरह अपने आप को सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इसके ना प्रोसीजर्स आप नेट पे देखना कैसे सेल्फ एग्जाम करते हैं अपने, कैसे हमने पल्पेट करना है अपने ब्रश को, कैसे एक्जिला को चेक करना है, ठीक है। तो ये सिर्फ ये बताया गया है कि हम एग्जामिनेशंस ईयरली या इन एजेस में कितना कितना कब करवा सकते हैं। तो सेल्फ एग्जामिनेशन मंथली लेस देन 40 मंथली चेक करें, और 40 से 50 वाले भी, 50 जितनी एज वाले सेल्फ एग्जामिनेशन है मंथली वो कर सकते हैं। उसमें कौन सा हम कहीं जा रहे हैं अपनी स्कैनिंग करवा रहे हैं और ये वो, तो हर एज ग्रुप के जो है ना वो सेल्फ एग्जामिनेशन अपनी मंथली करवाएं। फिर है फिजिशियन जो फिजिकल एग्जामिनेशन है कि हम एनुअली इस एज ग्रुप में जो है वो जरूर करवाएं, सब एज ग्रुप में जो है एनुअली एक साल बाद जो एक दफा किसी फिजिशियन से अच्छे से चेकअप करवा लें, ठीक है। नहीं भी कोई प्रॉब्लम देन भी जो है एक साल बाद, क्योंकि जिस रेशो से ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है ना तो वो जल्दी डिटेक्ट हो जाता है ना, जल्दी हम उसको पकड़ लेते हैं तो जल्दी इलाज भी हो जाता है। बड़े पेशेंट देखे हैं मैंने ब्रेस्ट कैंसर के कि वो बड़ी जल्दी रिकवर कर जाते हैं जितनी जल्दी हम उस डिजीज, कुछ ऐसे होते हैं वो ऐसा कोई लंप था उन्होंने कभी फील भी नहीं किया, उन्होंने कहा बस है तो कोई नहीं, वो ऐसी फिर मेलिग्नेंसी की तरफ चला जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट भी करना मुश्किल है, फिर वो जो है ना बचना भी मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, जितनी जल्दी तो ये एग्जामिनेशन हम करेंगे तो ही हमें जो है ना जल्दी हम पकड़ सकते हैं बीमारी को। तो सेल्फ एग्जामिनेशन मंथली, जो किसी फिजिशियन से एग्जामिनेशन करवा लें वो एनुअली एक साल बाद जरूर करवाएं, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे, ये तो एग्जामिनेशन थी, फिर उसके बाद आगे हमने स्कैनिंग करवानी है एक्सरेज की जो मेमोग्राफी है, ठीक। तो हाई रिस्क वाले जो हैं, जो कि हमें पता है कि जिनकी कोई हिस्ट्री थी, जिसकी कोई फैमिली में हिस्ट्री थी, खुदा ना खासा किसी की मदर को था तो आगे डॉटर जो है वो हाई रिस्क पे है, ठीक है। उसकी फैमिली में उसकी बहन को थी ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो वो हाई रिस्क पे है, ठीक है। या फिर आगे तो उसकी फैमिली में अगर थी या उसकी जीन्स में कहीं नानी को किसी को थी वो आगे, तो वो हाई रिस्क वाले हैं जिनको पता है कि अभी कोई चांसेस तो नहीं है लेकिन वो जो है ना अपना जरूर करवाएं स्क्रीनिंग मेमोग्राफी। ये अब मेमोग्राफी आ गई, ठीक है। बेस लाइन है लेस देन 40 की, और एनुअली जो है वो इस अबव एज वाले हैं। जो लो रिस्क वाले हैं वो बेस लाइन 40, ठीक है। फिर उसके बाद बाय एनुअली या एनुअली जो है वो इस एजेस के, ठीक है। ये सिर्फ एग्जामिनेशन और मेमोग्राफी के कब करवानी चाहिए ये उनका वो बताया गया। ओके मैम, यस मैम, ठीक है। चलो अब लेक्चर खत्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अच्छा, आपकी अटेंडेंस में कुछ दिनों तक आज की वाली लगा दूंगी क्योंकि मैं आज घर पे हूँ तो घर से अटेंडेंस नहीं लगती है, तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैं इंशाल्लाह एक दो दिन तक लेक्चर जो है ना वहाँ पे यूनिवर्सिटी में लगा दूंगी। ईमेल्स ना करना शुरू कर देना कि हमारी अटेंडेंस नहीं लगी, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी जब भी, ठीक है। मैम हमारा क्विज़ या असाइनमेंट कब होगा वो मैं आपको बताऊंगी ये जो कमिंग वीक आएगा उसके स्टार्ट में, लेकिन आप अपनी तैयारी साथ रखो अगले कमिंग वीक में, या फिर जो सेकंड लेक्चर होता है हमारा फ्राइडे को उसमें कोई हम लोग रख लेंगे एमसीक्यू, कोई क्विज रख लेंगे या फिर मैं असाइनमेंट, लेकिन आपको 3 या 4 दिन का टाइम मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी तक जो है ना 6 लेक्चर तो अपने जो है ना अच्छे कर लो शुरू के 6 लेक्चर, ठीक है। बाकी हम लोग देख तो 6 लेक्चर अच्छे से याद कर लो, पढ़ लो उनको, और जो है ना उनका कुछ भी होगा लेक्चर्स होगा अगर टाइम है, क्योंकि अभी बता दिया लेकिन 3 दिन पहले भी मैं आपको बता दूंगी, अगर मंडे को ट्यूसडे को जो ट्यूसडे बता दूंगी तो फ्राइडे तक अपने आप रेडी रखना, तो अभी पूरा हफ्ता 6 लेक्चर पढ़ लो। ओके मैम, ठीक है, ओके, ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।